जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर में बाइक की डिक्की का लॉक तोड़ उचकों ने उड़ाया 1.5 लाख रुपया सहित 750 ग्राम चांदी। सीमावर्ती शहर जयनगर में आपराधिक घटना थम नहीं रहा है। 2 महीने के अंदर एक के बाद एक छोटी से बंगाई घटना घटने के बाद आज भी अपराधियों पर पुलिस के पकड़ से दूर हैं। सोमवार की रात करीब 8 बजे थाना क्षेत्र के बलदेहा गांव निवासी राजू ठाकुर भेलवा चौक स्थित मां दुर्गा आभूषणालय अपने दुकान को बंद कर जय हिंद सिनेमा के निकट अपनी मोटरसाइकिल लगाकर जड़ी बूटी के दुकान से सामान की खरीदारी करने लगे। इसी क्रम में कुछ लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल के डिक्की का ताला तोड़कर डिक्की में रखे दुकान का बिक्री के करीब 1.5 लाख नकद रुपये, 750 ग्राम आभूषण एवं दुकान का चाबी एवं बही को उंगा ले गया। घटना को देखते हुए राजू ठाकुर ने शोर किया तो आसपास के लोगों ने इकट्ठा हुआ, तब तक सभी फरार हो चुका था। पीड़ित व्यक्ति ने अपनी पत्नी गुंजा कुमारी, भतीजा आनंद कुमार एवं दुकान का स्टाफ नवल किशोर के साथ घटना की सूचना थाना जाकर पुलिस को दी। पुलिस ने राजू ठाकुर से दुकान का ताला बदलने की बात कही, तब पीड़ित व्यक्ति ने अपने दुकान आकर दुकान का ताला बदल रहा था। उसी क्रम में करीब आधा दर्जन की संख्या में कुछ लोगों ने आ धमका और सभी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जमकर मारपीट की, जिससे राजू ठाकुर, उनकी पत्नी गुंजा देवी, भतीजा एवं दुकान स्टाफ घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि जयनगर में पुलिसिया व्यवस्था कमजोर होने के कारण लगातार एक के बाद एक घटना घटी है, बावजूद पुलिस त्वरित कार्रवाई करने में विफल रही है। जड़ी बूटी वाले के पास कुछ सामान लेने के लिए, उसी घड़ी में जड़ी बूटी वाले के बगल में दुकान के बगल में गाड़ी लगाए अपना, और उसके बाद हम उसे दुकान में सामान लिए। तब तक मैं 2-3 आदमी था जड़ी बूटी वाला के दुकान के पास आया, मेरे जाने के बाद, दुकान में घुसने के बाद। उसके बाद उसने क्या, हम बोले कि पैसा आप काट लीजिए, और 2 आदमी मेरे गाड़ी के पास चला गया। हम इसको बोले भैया जल्दी हमको पैसा दीजिए जड़ी बूटी वाले को, तो बोला कि दे रहे हैं। तब तक मैं तीनों क्या किया, स्पीड में भागने लगा। जब हम पैसा लेके तुरंत गाड़ी के पास निकले, तुरंत वो भागने लगा, नज़दीके में थे। और उसके बाद हम फिर गए थाना वाला में, जोर जोर से हल्ला करने लगे, चोर है, भागे। तो उसके बाद पब्लिक सब जुटा, बोला कि आप जाइए थाना। हम गए थाना में, हमको बोले कि तुम एक काम करो, कल घुमा आवेदन लेके तुम आओ मेरे पास जमा करो, इसीलिए कि आवेदन ठीक से लिख के लाओ, उसके बाद कल 10 बजे तुम जमा कर दो। तुम बोले सर मेरा तो चाबी ताबी पैसा तैसा था, सब कुछ गैप कर दिया झोला सहित, उसमें चांदी का सामान भी था, 1.5 लाख रुपया कैश था। और उसके बाद बोले कि सर ऐसे सब बात है, टोटल बात है। तो बोले कि जाओ तुम अभी ताला मार लो दूसरा, उसके बाद तुम कल घुमा तुम भेंट करो 10 बजे। तुम फिर वहाँ से दुकान पे आए, अपना मेरी बीवी थी, मेरा स्टाफ था, मेरा भतीजा था, मेरा दोनों बेटा था। उसके बाद हम उस आरी से हम काटने लगे ताला को, पुराना ताला को। उसी टाइम में एक मारुति वैन आया और उसमें 6 आदमी था, 6 आदमी मेरे साथ एक बाइक हमला कर दिया। बोला कि रे माधरचोद तुम निकलो, तुम भागेगा नहीं भागेगा, उसने मारने पीटने लगा, तख्ता से पूरा कपार पूरा फोड़ दिया। और वही सब पूरा हम परेशान होके वहाँ पे बेहोश में गिर गए। हुआ वहाँ पर जो लोग था, किस पे हमला किया? वो टोटल मेरे पे, मेरे पत्नी पे, भतीजा पे, सब पे हमला करने लगा, बेचारने लगा। बोला कि नहीं हमने किए हैं, हम भागे मकान मालिक के पास। उसके बाद वो सब भी आया तो सब बचाने के प्रभाव में था, मगर सब आदमी उसको झुंड में लगा लिया। हमको मारते पूरा बेहोश हो गया, मेरा गला में सोना का चैन था वो भी छीन छान लिया। पुलिस को सूचना दिया? पुलिस को भी दर्ज कराया आपने? जी हम फोन किए पुलिस को, तब वहाँ पे आदमी सब, मेरा अगल बगल का आदमी सब फोन किया, थाना वाला आया, हमें उठा कर ले गया सरकारी हॉस्पिटल। उसके बाद जाँच करवाया, जाँच कराने के बाद हम बेहोश में पड़े थे, बोले कि कल तुमसे बयान लिया जाएगा। और मेरा पानी तानी चढ़ा। क्या नाम हो गया आपको? राजू ठाकुर। छह आदमी आया है, सीधे मारपीट करने लगा। हम लोग बोले चोर चोर चोर, तो सब आया है, सब सबको मारपीट करने लगा है, एक बाइक सबको। कब की घटना है? 11 बजे रात में। क्या नाम हो गया आपका? गुंजा देवी।